स्टूडेंट्स नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वणक्कम, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल एन एकेडमी 9th एंड 10th एक्सपर्ट्स पर। और मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर अभिषेक अग्रवाल लेकर आया हूं एक और धमाकेदार धमाकेदार सेशन अपने क्लास 9 सीबीएसई लर्नर्स के लिए, जिसमें आज के सेशन में सेकेंड चैप्टर जो होता है, सेकेंड चैप्टर पता है ना, इस मैटर अराउंड अस प्योर केमिस्ट्री का, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज एक्टिविटीज, एनसीईआरटी की एक्टिविटीज। अब देखो क्या होता है, एनसीईआरटी की जो एक्टिविटीज होती है ना भाई, ये तुम लोग बहुत हल्के में ले लेते हो। लाइक जो एनसीईआरटी की एक्टिविटीज होती है तुम बहुत हल्के में ले लेते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है लाइक एक्टिविटीज आर नॉट इम्पोर्टेंट, तुम्हें लगता है ये एक्टिविटीज जो होती है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है। और वो इम्पोर्टेंट होती है इस बात का तुम्हें रियलाइजेशन एग्जाम में होता है, क्योंकि तुम्हारे स्कूल के टीचर 100% एक्टिविटी पर क्वेश्चन देते हैं, 100% एक्टिविटी पर क्वेश्चन देते हैं। और जब वो एक्टिविटी पर क्वेश्चन देते हैं तो कहानी समझ में आती है कि भाई ये तो एक्टिविटी का क्वेश्चन है और हमने एक्टिविटी नहीं पढ़ी। तो एक्टिविटी वैसे तो देखो इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल्स, तुम्हें प्रैक्टिकल करने होते हैं, लेकिन अभी तो COVID-19 की सिचुएशन चल रही है, लैब में तो तुम्हारी स्कूल की लैब तो धूल मिट्टी खारी होगी, क्योंकि अभी तक वो स्कूल की लैब जो है वो अभी तक उस हिसाब से नहीं इक्विप्ड हुई होगी। तुमने तो बरसों बीत गए होंगे केमिस्ट्री लैब में प्रवेश नहीं किया होगा, लगभग डेढ़ दो साल हो चुके हैं तुमने केमिस्ट्री लैब में प्रवेश नहीं किया है। लेकिन उन एक्टिविटीज को हम बिना एक्सपेरिमेंट के लाइक यहाँ समझ सकते हैं, लाइक उन सारी एक्टिविटीज को अभी हम बिना एक्सपेरिमेंट के यहाँ पर समझ सकते हैं, और 100% वो एक्टिविटीज को मैं डिस्कस करूंगा। तो सेकंड चैप्टर जो है इस मैटर अराउंड अस पेयर, जिसके हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी देख चुके, लाइक एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, आई होप आप लोगों ने भी इसको अच्छे से देखा होगा। बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनसीईआरटी एक्टिविटीज, तो जो भी एक्टिविटीज होगी वो हम देखेंगे। अनवेश पटेल भाई मैं बिल्कुल लाइव हूँ, हिंदी मैथ स्वागत है भाई आपका, तो बड़ा परेशान था मेरे को ढूंढ रहा था, भाई ढूंढ रहे थे भगवान मिल रहे हैं आजकल, तो मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ तो मैं तो मिल ही जाऊंगा। एंड यस इवन आई होप दैट दिस विल बी अ ग्रेट जर्नी ऑफ योर्स विद मी। प्रिंस कुमार हेलो बच्चे, क्या हाल चाल है। मुस्कान मैं अनअकैडमी पर क्लास ले तो रहा हूँ, ये क्लास कहाँ ले रहा हूँ, ये कहीं और देख रहे हो क्या मेरी ये क्लासेस। भाई ये क्लासेस अनअकैडमी पर ही तो ले रहा हूँ मैं, आगे सुनो थोड़ी और चर्चा करते हैं। हाँ। मैं लिटरली लाइव हूँ सर, एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए बताएं ना कैसे लिखा जाता है। एक्सपेरिमेंट लिखना थोड़ी ना, एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशंस होते तुम्हें वो लिखना है भाई, जो ऑब्जर्वेशंस होते तुम्हें वो लिखना है, तो वो ऑब्जर्वेशंस अपन देखेंगे ना अभी, उसके लिए परेशान बिल्कुल ना। नेक्स्ट इज मैं प्रिंस नहीं हूँ, मैं अभिषेक सर हूँ भाई, हिंदी मैथ तुम अलग ही क्वेश्चन कर रहे हो। अनअकैडमी ऐप पर मुस्कान ले रहा हूँ, अनअकैडमी ऐप पर तुमने प्लस कोर्स को एनरोल किया है क्या, लाइक अगर प्लस कोर्स को एनरोल किया है तो 100% मैं प्लस कोर्स पर मौजूद हूँ भाई, प्लस कोर्स पर तो मैं क्लास ले ही रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं अनअकैडमी की, तो तुमको पता ही है कि अनअकैडमी से तुम अपनी स्कूल प्रिपरेशन को एस कर सकते हो, और स्कूल के साथ साथ कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन को भी एस कर सकते हो, क्योंकि अनअकैडमी पर अब टॉप एजुकेटर्स जो हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी टॉप एजुकेटर तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, पहले तो ये बताओ, लाइक टॉप एजुकेटर आए हो तुम लोग समझ पा रहे हो, टॉप एजुकेटर्स जो हैं वो पढ़ा रहे हैं अनअकैडमी आप पर। और अभी अगर अनअकैडमी का तुम सब्सक्रिप्शन लेते हो तो राइट नाउ यू विल गेट 10% ऑफ, तो तुम्हें जो मिलेगा वो 10% ऑफ इंस्टेंटली मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें सिर्फ एक कोड अप्लाई करना है, और वो कोड है ABHIS10, ABHIS10 ये कोड है जिसको तुम्हें अप्लाई करना है, तो ABHIS10 विल बी द कोड जिसमें तुम्हें फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा। माय वॉइस इज नॉट कमिंग, मेरे को तो लग रहा है ठीक आ रही है भाई, इज माय वॉइस ऑडिबल, क्लियर ऑडिबल है,
अनवेश 10th का सेशन 4 बजे होता है भाई, तो अभी S10 कोड तुमने लगा डाला तो लाइक झिंगा लाला, क्योंकि भाई साहब 10% ऑफ तुमको फ्लैट मिल रहा है अन अकेडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पे। क्या क्या फीचर्स है अन अकेडमी पर, टॉप एजुकेटर्स अब तुम उनसे पढ़ सकते हो, लाइक अब तुम्हें किसी बड़े कोचिंग में ऑफलाइन क्लासेस में हैवी फीस देकर उनकी क्लासेस अटेंड करने की नई जरूरत है, क्योंकि अब सब अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तुम्हें अपने मोबाइल से, लैपटॉप से या कंप्यूटर से उनके घर बैठे लाइव क्लासेस अटेंड कर। इसी के साथ स्टडी मटेरियल जिसमें वर्कशीट्स होंगी, डीपीपीज होंगी, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे, ये सब डिस्कशन भी होगा, और इसकी कॉपी, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी भी आपको मिल जाएगी। प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पर लिए जाएंगे फ्रीक्वेंटली हर टॉपिक का और हर चैप्टर के कम्प्लीट होने के बाद, एंड इसके बाद लाइव टेस्ट सीरीज पर भी आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो लाइव टेस्ट सीरीज पर भी आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, और ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो नॉमिनल कॉस्ट पे मिलेगी। और अभी तो मेरा भी प्लस कोर्स लॉन्च हो गया हिंदी मैथ्स, तुम अगर प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते तो एक काम करना, मेरी स्पेशल क्लास जरूर आना, यूट्यूब पर तो मैं दूंगा ही, यूट्यूब के साथ स्पेशल क्लासेस भी रही, तो वो स्पेशल क्लासेस पर भी तुम आना, ठीक है? तो वो स्पेशल क्लासेस पे भी तुमको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, वो फ्री होती है। मेरा भी प्लस कोर्स लॉन्च हो गया, हर ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे को क्लास होती है, विच इज एट 7 PM, तो शाम को 7 बजे हर TTS में क्लासेस होती है, तो शाम को 7 बजे तो प्लस कोर्स के लिए बिल्कुल आ सकते हो, और इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, मतलब अगर तुम कंपेयर करो तो तुम्हारी स्कूल की जो ट्रांसपोर्टेशन फीस है उससे भी कम रेट पर तुमको यहाँ सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। सपोज करो तुम 9th में हो भी, तो तुम 4 साल के सब्सक्रिप्शन को देखो, 9th, 10th, 11th, 12th, जितना बड़े ड्यूरेशन के सब्सक्रिप्शन लोगे उतना डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा, सिर्फ 40,000 रुपीज पर, मतलब 10,000 रुपए साल, मतलब 1,000 रुपए महीने से भी कम, 933 रुपए समथिंग तुम्हारे मिलेंगे, इनफैक्ट 833 रुपए, सॉरी अब 833 रुपए महीना, और इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं तुमको ये भी बता दूं, सिर्फ एक कोड लगाना है अभी S10, तो तुमको इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा अभी S10 कोड लगा, और ये जो तुमको 40,000 की फीस लग रही थी 4 साल की, वो 36,000 की आ जाएगी, लाइक 750 रुपए महीना ओनली एट 36,000 रुपए। लेकिन उसके लिए मेरा कोड लगाना बहुत जरूरी है, और एक ही कोड है, दैट इज अभी S10। बिल्कुल भैया पार्थ क्यों नहीं पहचानेंगे तुम, तुमको मेरी बात याद है कि नहीं याद है तुम तो ये बताओ, मेरे को तो तुम याद हो लेकिन तुमको मेरी बात याद है कि नहीं याद है ये बताओ। रश्मि मैं, अच्छा निशांत मैं आज कंप्लीट कराऊंगा भाई सॉल्ट, आज मैं कंप्लीट कराऊंगा सॉल्ट। अनवेश नहीं, केमिस्ट्री नहीं, पूरा सब्सक्रिप्शन तुमको लेना हो, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं ले सकते, लाइक तुम्हें पूरा सब्सक्रिप्शन लेना, ठीक है? अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, देन वी हैव आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन उन बच्चों के लिए जो पर्सनल मेंटरशिप की तलाश में, जो ये चाहते हैं कि उनके एडुकेटर सिर्फ उनकी अकेडमिक परेशानियों को नहीं सॉल्व करें बल्कि नॉन अकेडमिक परेशानियां भी कई होती हैं उसको भी सॉल्व करें, जैसे तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, पढ़ते बैठते हो तो नींद आ जाती है, कितने घंटे पढ़े, कितने घंटे सोए, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, पहले कौन सा चैप्टर पढ़े, अगर तुम ये सारी चीज स्ट्रैटेजी चाहते हो कि एडुकेटर के साथ मिलकर बनाओ, तुम पूरी प्लानिंग अगर चाहते हो एडुकेटर के साथ करने की, तो इसके लिए तुम्हें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जहां तुम्हें एक एडुकेटर पर्सनली मेंटर करने वाले हैं, पर्सनली मेंटर करेंगे और पर्सनल मेंटरशिप तुम्हें उस एडुकेटर के मिलेगी, कस्टमाइज्ड टीचिंग यहां पर मिलेगी, और ये सब होगा एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। कॉस्ट अगर तुम देखोगे तो 4 साल के लिए अगर ये कोर्स ले रहे हो तो इट कॉस्ट यू ओनली 83,000 रुपीज, 83,000 रुपीज 4 साल है, मतलब यहाँ अगर तुम किसी अच्छी कोचिंग को भी देखो ऑफलाइन क्लासेस में जिसमें इतने फीचर्स भी नहीं मिलते जितने आइकॉनिक में मिल रहे हैं, उस कोचिंग की फीस भी 1 साल की भी 80,000, 1 साल की शायद या 2 साल की 80,000 होती है, यहाँ 4 साल की फीस 80,000 है, उसमें भी तुम्हें अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर सिर्फ मेरा कोड अप्लाई करोगे, दैट इज अभी S10, इसको लगा डाला तो लाइक जिंगा लाला, सिर्फ अभी S10 कोड अप्लाई करो एंड यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट।
तो ये मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट है, तो ये आपके मैक्सिमम आपको डिस्काउंट है और इस तरीके से ये मैक्सिमम डिस्काउंट आप, तो यहां पर आप देखो 74,000 हो गया 48 मंथ का कोर्स, 48 मंथ का कोर्स जो हो गया वो 78,000। पार्थ ओझा, ऐसा कोड का कोई कमीशन नहीं मिलता भाई, बस ये कि कोड अगर हो गया तो भाई मेरी, मेरे को पता चलेगा ना मेरे से कितने स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंस्ड है, लाइक उसी से तो ग्रोथ डिपेंड करेगी भाई, पढ़ने वाले कितने हैं, कितने लोग फॉलो हुए हैं, कमीशन की तो कोई बात ही नहीं है भाई। हिंदी मैथ्स मेरा एक डाउट है, पूछ भाई एक डाउट है तो, दो डाउट पूछ। अभी न्यू अकेडमी की ऑफर भी चल रहा है जिसमें 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन में 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री है, 18 मंथ के सब्सक्रिप्शन में 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री है, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन में 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन, और इसी के साथ क्रिएटिव कॉर्नर और यंग कोडर सब्सक्रिप्शन भी फ्री है, जहां पर आप कोडिंग क्लासेस, कुकिंग क्लासेस, डांस क्लासेस, ये सारी चीजें सीख सकते हो और एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट, मतलब ये सब आपको बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर मिल रहा है, लेकिन ये लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर, लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है, क्योंकि पहले 1000 सब्सक्राइबर्स को सीबीएसई का ऑफर है, जो सीबीएसई ऑफर मिल रहा है, और जो पहले 500 सब्सक्राइबर्स है उनको क्रिएटिव कॉर्नर है। नाउ अनअकैडमी प्लस, अगर आपको लगता है कि एक इंस्टॉलमेंट में उसकी फीस पे करना बहुत ज्यादा है, जैसे आपको लगता है कि आप 36,000 भी एक बार में नहीं पे कर सकते, तो अब आप जीरो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन अवेल कराकर पार्ट पेमेंट भी कर सकते, लाइक आपको ईएमआई बन जाएगी हर मंथली, जैसे आप ट्यूशन या कोचिंग की फीस देते थे वैसे मंथली इंस्टॉलमेंट कटेगी, नो एडिशनल चार्जेस। उसके लिए आज ही अनअकैडमी एक्सपर्ट से बात करें, आज ही आप अपने ऐप पर जाएं, एडुकेटर सपोर्ट पे जाएं और वहां पर आप बात करें, और अगर कहीं कोड लगाने की बात आए तो सिर्फ मेरा कोड लगाओ, दैट इज अभी S10, सिर्फ मेरा कोड लगाओ अभी S10। पार्ट बहुत सारा डिफरेंस है, बट टीचिंग में बहुत सारा डिफरेंस है, मैं बताऊंगा उस डिफरेंस को, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा सिलेबस स्टार्ट कर दूं, एक्टिविटी पढ़ाने लग जाऊं, फिर मैं तुम्हारी सारी डिटेल बताऊं। तो अभी S10 का कोड लगा दो और अनअकैडमी प्लस का जीरो कॉस्ट ईएमआई के ऑप्शंस को अवेल करा लो, अगर तुम चाहते हो पार्ट पेमेंट कर, पार्ट पेमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल, ठीक है। देन कम्स द अनअकैडमी आस्क अ डाउट फीचर, जहां पर आप कहीं पे भी, कहीं भी, किसी भी टाइम, किसी भी जगह से कितने भी डाउट पूछ सकते हो, लाइक पढ़ते हुए अब आपको रात को 2 बजे डाउट आ रहा है, या सुबह 6 बजे आ रहा है, दोपहर में 3 बजे आ रहा है, तो आप किसी टीचर को इंतजार, किसी टीचर के इंतजार की जरूरत नहीं है अब आपको, क्योंकि अब आप अनअकैडमी पर अपना डाउट तुरंत सॉल्व कर सकते हो जब भी आएगा। उसके लिए करना क्या है, आस्क अ डाउट फीचर पे जाना है, वहां पर या तो पिक्चर या गैलरी में से इमेज को सिलेक्ट करना है, या फिर कैमरे से क्लिक करनी है, एक इमेज में अगर एक से ज्यादा क्वेश्चन हो तो एक क्वेश्चन को क्रॉप कर लेना है, सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, और फिर आराम से बैठना है, क्योंकि आपको एक हाई क्वालिटी का वीडियो मिलेगा और उस हाई क्वालिटी के वीडियो में आपको वो सारी चीजें मिलेगी, हाई क्वालिटी का वीडियो मिलेगा जिसमें आपके डाउट्स जो होंगे वो रिजॉल्व हो जाए। एक बार में एक ही डाउट पूछेंगे, क्लियर एंड लेजिबल इमेजेस शुड बी देयर एंड ऑल सब ऑप्शंस ऑफ द एमसीक्यू शुड बी देयर, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो ऑप्शन भी सब क्लिक करके भेजना, मल्टीपल डाउट सिंगल इमेज में मत भेजना, और अपनी सड़ी सी राइटिंग में बिल्कुल मत भेजना, क्योंकि भाई साहब तुम्हारी राइटिंग तुम्हें खुद समझ में नहीं आती, मतलब कुछ बच्चों की तो अच्छी होगी लेकिन बहुत बच्चों की तो ऐसी राइटिंग है लिखने के बाद खुद नहीं समझ पाते लिखा क्या, तो बेचारा कंप्यूटर तो फट पड़ेगा, इसलिए कंप्यूटर उसको आप सिर्फ प्रिंटेड और टाइप फॉर्म में ही क्वेश्चंस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी पार्ट, अब मैं आता हूं एक्टिविटी पार्ट पर जो बहुत जरूरी है जानना, एंड लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी पार्ट, एक्टिविटी पर आते हैं, एक्टिविटी 2.1 पहली एक्टिविटी है ये, तो 2.1 एक्टिविटी को यहां पर अब हम समझते हैं, ब्रीफ प्रोसीजर, एक्टिविटी 2.1 में क्या आपके एनसीईआरटी में जो दी गई है, एक्टिविटी 2.1 आस्क्स अस टू प्रिपेयर वेरियस सॉल्यूशंस विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कंपेयर, डिफरेंट सॉल्यूशंस बनाओ डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट से और उसको कंपेयर करो, तो मिक्स द डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन एंड कंपेयर, तो कॉपर सल्फेट उससे क्या होगा, कलर में चेंज आएगा, सॉल्यूशन जिसमें कॉपर सल्फेट ज्यादा है वो डार्क ब्लू कलर का होगा, जिसमें कम है वो फेडेड ब्लू कलर, तो यहां पर क्या होगा आपके पास जो कॉपर सल्फेट होगा और पोटेशियम परमैंगनेट होगा, तो यहां पर आपको डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व होंगे, ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर विल बी,
डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर मिलती है. एक्सप्लेनेशन देखेंगे. सॉल्यूट पार्टिकल्स मिक्स विद द सॉल्वेंट एंड फॉर्म्स अ मिक्सचर. हमें पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल जाते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है, तो बेसिकली सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा और ये क्या बना लेगा, एक मिक्सचर बना, जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, जिसको हम सॉल्यूशन. इफ देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स वी कॉल दिस मिक्सचर होमोजीनियस, एंड इफ यू ऐड मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल वी कॉल इट एज अ हेटरोजीनियस. मतलब अगर वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन देगा तो वो हेटरोजीनियस कहलाएगा, लेकिन अगर वो मान लो यूनिफॉर्म कंपोजिशन देता है तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर भी कहते हैं. So like the mixture will going to be form an homogeneous. For example, any amount of copper sulfate in water is a homogeneous mixture. So if we have any amount of copper sulfate in water, the water ke saath copper sulfate ke jo particles hote hain wo uniformly distribute. Like jo copper sulfate ke particles hai wo aisa nahi hoga ki kahin kam hai kahin zyada, aisa nahi rahega. Sab jagah they will have a uniform composition. They will have a यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. तो उनका जो मात्रा होगी वो सब जगह बिल्कुल बिल्कुल सेम होगी, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. व्हाइल अ मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर इज अ हेटरोजीनियस, क्योंकि जब कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट आ जाएगा तो फिर वो हेटरोजीनियस बन जाएगा, क्योंकि उसकी जो कॉम्पोजिशन होगी वो बिल्कुल सेम नहीं होगी. मतलब पोटेशियम परमैंगनेट ऐसा होगा कि कहीं ज्यादा है कहीं कम है, कहीं बहुत ज्यादा है कहीं बहुत कम है, तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी थ्रू आउट द सॉल्यूशन. सो इट विल हैव अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन. नाउ जो जैसे मैंने कहा था कलर इंटेंसिटी का अंतर आ जाए, तो वही चीज होगी. द कलर इंटेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट. तो जो कलर इंटेंसिटी होगी सॉल्यूशन की, इट डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. इफ वी ऐड मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्वेंट द कलर इंटेंसिटी विल इंक्रीज. तो जैसे मैंने कहा था कि कॉपर सल्फेट अगर बढ़ता जाएगा तो वो एकदम ब्लू कलर होगा, प्रूशियन ब्लू कलर, बट उसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी, कलर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ब्राइटनेस कह लो या जो आप इंटेंसिटी समझते हो वो ज्यादा होगी. लेकिन अगर मान लो सॉल्यूट कम है, आपने कम कॉपर सल्फेट मिलाया है पानी के अंदर, तो फिर वो थोड़ा सा फेडेड ब्लू, फिर वो थोड़ा सा क्या होगा, फेडेड ब्लू हो जाएगा. और भाई साहब जब वो फेडेड ब्लू हो जाएगा तो लाइक इट विल बी हैविंग अ लेसर, इट इंडिकेट्स दैट इट हैज अ लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, लेसर कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब कंसेंट्रेशन लेस हो जाए. आप दूसरा काम भी कर सकते हो इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, कि आप सॉल्वेंट को रिड्यूस कर सकते हो. लाइक तुम्हें पता है कि कॉपर सल्फेट और पानी का सोल्यूशन है तो कॉपर सल्फेट का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, पानी का उसके मुकाबले कम है, क्योंकि पानी 100 डिग्री पे बॉइल हो जाएगा, आपको पता है, जो आप हीट करने पर अचीव कर सकते हो. तो तुम क्या करो, इस सोल्यूशन को बॉइल करना शुरू कर दो और पानी को वेपराइज होने दो. तो धीरे धीरे उस सोल्यूशन में क्या होगा, पानी की कमी जो सॉल्वेंट था, और सॉल्वेंट अगर कम हो गया तो भी कलर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो सॉल्यूशन की कलर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी. तो बेसिकली खेल क्या है यहां पर, कलर इंटेंसिटी. अगर तुमने सॉल्यूट ज्यादा मिलाया है तो कलर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, अगर सॉल्यूट कम मिलाया है तो कलर इंटेंसिटी कम होगी. कॉपर सल्फेट पानी के साथ प्रूशन ब्लू कलर दे, लाइक ये बात इंपॉर्टेंट है, तो उसको ऊपर स्टार बनाकर भी लिख सकते हो, aqueous solution of copper sulfate is prussian blue color. prussian blue, prussian blue कैसा होता है, जैसे unacademy के लोगों दिख रहा है तुमको, तो ये जो blue color है ना वही blue color होता है, blue color का होता है, और वो और intensified blue color बन जाएगा अगर copper sulfate के particles ज्यादा पाए गए तो. अगर copper sulfate के particles ज्यादा पाए गए तो वो intensified blue color होता है, but अगर कम हुए तो फिर वो ब्लू कलर फेडेड होगा, जैसे तुम्हें यहां दिख रहा है. देखो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, लो कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तुमको ये दो क्लियर दिख रहा है, हाई कंसेंट्रेशन एंड लो कंसेंट्रेशन. ये डार्क ब्लू है बिकॉज इट्स हैज हाई कंसेंट्रेशन, ये फेडेड ब्लू है बिकॉज इसमें कॉपर सल्फेट का लेस कंसेंट्रेशन.
कलर को इंटेंसिफाइड करने का एक और तरीका है, कलर को इंटेंसिफाइड करने का एक और तरीका है, पता है क्या? अब सॉल्वेंट की मात्रा को कम कर दो, लाइक तुम सॉल्वेंट को डिक्रीज कर दो। जब आप सॉल्वेंट को डिक्रीज करोगे तो भी आप कह सकते हो कि लाइक सॉल्यूशन जो है वो अब कंसंट्रेशन कम कर गया। और सॉल्वेंट को कम कैसे करना है, कॉपर सल्फेट और वाटर के केस में आप हीट करने लगे, क्योंकि जैसी तुम हीट करोगे तो पानी जो होगा वो उबल जाएगा जो सॉल्वेंट था, और वो उड़ जाएगा हवा में, वेपर बन के, तो लाइक उसकी मात्रा कम होती जाएगी। और जब उसकी मात्रा कम होती जाएगी तो फिर ऑब्वियसली सॉल्यूट रिलेटिवली ज्यादा हो गया, सॉल्यूट रिलेटिवली ज्यादा हो गया तो वो इंटेंसिफाइड कलर डार्क ब्लू टाइप का कलर। हिंदी मैथ्स ने क्वेश्चन पूछा सर एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपल है, जो कंपाउंड कम मात्रा में प्रेजेंट है वो सॉल्यूट, जो कंपाउंड ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट। कभी भी यह मत करना, कई बच्चे से मैं पूछता हूं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, तो बच्चे बोलते हैं सर जिसको मिला रहे हो वो सॉल्यूट और जिसमें मिला रहे हो वो सॉल्वेंट। ये बिल्कुल घटिया डेफिनेशन है, जिसको मिला रहे हो वो सॉल्यूट, जिसमें मिला रहे हो वो सॉल्वेंट नहीं। क्योंकि मान लो तुम्हारे सामने सॉल्यूशन कोई नहीं बना तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि किसमें किसको मिलाया? भाई अगर पानी में नमक मिला सकते हैं तो नमक पहले रख के पानी भी तो डाल सकते हैं बाद में, तो उस हिसाब से सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट बदल जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट कभी भी बदल जाए, वो तो फिक्स रहते हैं। तो वो फिक्स क्यों रहते हैं? क्योंकि सॉल्यूट उन्हें कहते हैं जिस कंपाउंड की मात्रा कम होती है सॉल्यूशन। जैसे तुमने कंपाउंड ए और कंपाउंड बी मिलाकर एक सॉल्यूशन बना दिया, तो जिस कंपाउंड की मात्रा कम होगी वो सॉल्यूट होगा, जिस कंपाउंड की मात्रा ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा, खत्म। क्लियर? अगर सर दोनों बराबर रहे तो सर किसी को भी सॉल्यूट किसी को भी सॉल्वेंट मान लो, बट हाँ अगर कोई वाटर है तो वाटर हमेशा सॉल्वेंट माना जाए, क्योंकि पानी को तुम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हो, क्योंकि पानी को तुम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हो, तो फिर उस केस में पानी तुम्हारा सॉल्वेंट माना जाए। बहुत बढ़िया, बहुत। तो यहां तुमने सॉल्यूशन को क्या करा, यू स्टार्ट बॉइलिंग। इन बोथ ऑफ द केसेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीजेस। तो इन बोथ दीज केसेस जो कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट पार्टिकल का वो बढ़ता जाएगा और वो डार्क ब्लू कलर। वेयर एज ऑन द अदर हैंड एक और मिक्सचर बनाया था पोटेशियम परमैंगनेट का और कॉपर सल्फेट का विच हैज अ डिफरेंट कंपोजिशन, क्योंकि वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा पोटेशियम परमैंगनेट का, बेसिकली वो रेड कलर में रहेगा। सच अ मिक्सचर इज हेट्रोजीनियस। ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। तो सच मिक्सचर विल बी टर्म्ड एज हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो ऐसे मिक्सचर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस कहते हैं। नाउ मूविंग ऑन, इन्फेरेंस और कंक्लूजन। This experiment shows that a homogeneous mixture can have a variable color. ये experiment बताता है कि जो homogeneous mixture होते हैं उनका variable color intensity है। मतलब homogeneous mixture में भी तुम color intensity, composition मतलब जो जिससे वो बने, जिसने उनको बनाया है उनको color composition कह देंगे, उन्हें composition कह देंगे। जैसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर है और वाटर है, तो कॉपर और वाटर का कंपोजिशन होगा इसके, कॉपर सल्फेट और वाटर कंपोजिशन होगा सॉल्यूशन, तो दैट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी होमोजीनियस मिक्सचर अगर है तो वो होमोजीनियस मिक्सचर के पास वेरिएबल कलर इंटेंसिटी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। अगर कम सॉल्यूट है तो कलर की इंटेंसिटी कम रहेगी, अगर ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है तो कलर की इंटेंसिटी ज्यादा। नाउ देयर इज वन मोर फैक्ट रिलेटेड टू इट।
एयर इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड कार्बन. एयर जो है बेसिकली इट्स अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है. मतलब कहीं तुम कहोगे ऑक्सीजन ज्यादा है कहीं कम है. पहाड़ों पे चले जाओगे तो कहते हैं ऑक्सीजन कम है. सी लेवल पर देखोगे तो ऑक्सीजन ज्यादा है. तो वो भी तो एटमोस्फियर का हिस्सा है. तो एयर जो है वो हाइड्रोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि उसके अंदर कॉम्पोजिशन अलग अलग है. तो एयर विल बी हाइड्रोजीनियस मिक्सचर बिकॉज इट विल हैव अ डिफरेंट कॉम्पोजिशन. Because it will have a different composition. Now next. Activity 2.2. तो ये पहली activity थी जिसको हमने समझ लिया है. Now activity 2.2 पर आते हैं और देखते हैं brief procedure activity 2.2 हमसे क्या चाहती है. तो let's understand brief procedure की activity 2.2 हमसे क्या चाहती है. Activity 2.2 ask us to prepare the various homogeneous colloidal solution, suspension and observe the beam of the light. वो कह रहे हैं हमसे true solution बनाओ, colloidal बनाओ, suspension बनाओ और उसमें से एक torch जला के light को pass करो और उस light की beam को observe करो. Like वो जो light की beam है उसको observe करो. हमने कहा ठीक है भाई कर लेते हैं. तो उसके लिए हमें कुछ components की जरूरत है. Few crystals of copper sulfate, one spatula full of copper sulfate, chalk powder of wheat or wheat flour and few drops of milk or egg. ये तुम colloidal और suspension और true solution बनाने के. तो कोई बात नहीं Indian ideology. ये चार भी 4000 के बराबर है. I don't have any issue. तो यहाँ पर देखेंगे few crystals of copper sulfate हम ले लेंगे. Copper sulfate एक स्पैचुला ले लेंगे, चॉक पाउडर या वीट फ्लोर ले लेंगे और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और एग ले लेंगे. अब क्या करेंगे? अब बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ए एंड बी. लाइक फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट से पास कराया और स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से पास कराया ए और बी सॉल्यूशन से. तो क्या होगा? बचपन से ही भाई ट्रू इंडियन आइडियोलॉजी बचपन से ही होती है भाई. तो ए और बी से बीम ऑफ लाइट पास हो जाएगी जबकि सी और डी से बीम ऑफ लाइट पास नहीं होगी. चॉक पाउडर और वीट फ्लोर और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इन से पास नहीं. तो द लाइट डज नॉट पास थ्रू सॉल्यूशन सी. अब सुनो एक्सप्लेन. ए एंड बी फॉर्म्स अ होमोजेनियस सॉल्यूशन. तो होमोजेनियस सॉल्यूशन में पार्टिकल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर आर स्मॉल एंड डू नॉट रिफ्लेक्ट. Like अगर होमोजीनियस मिक्सचर है तुम्हारे पास तो जैसी तुम एक लाइट इसमें से पास करोगे तो वो लाइट बिना किसी रुकावट के सीधा सीधा पास हो जाएगी क्योंकि एक्चुअली वो पार्टिकल से टकराती. लेकिन अगर पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता कि वो लाइट को स्कैटर कर सकता तो वो जरूर करता. लेकिन ये तो केस किसका है? होमोजीनियस सोल्यूशन का. कौन सा? ए और बी. कॉपर सल्फेट वाली बात कर रहे हैं. कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है तो जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है उसमें कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स इतने छोटे हो जाते हैं पानी के अंदर जाके कि जब कोई बीम ऑफ लाइट उससे पास करोगे तो वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएगा. लाइक वो जो बीम ऑफ लाइट है, वो जो रे है, वो जो लाइट है, वो उसको स्कैटर ही नहीं कर पाएगा. लाइक वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, सीधा सीधा जैसे गई के पास. So as a result, a homogeneous solution does not block the passage of the light or disperse light and we see a clear beam. So aapko ek clear beam of light hai. So it will have a clear beam of light. Jabki a colloidal solution and a suspension have larger particle size. Colloidal solution aur suspension ke andar particle ka size true solution se zyada hota hai. तो जैसे पार्टिकल से वो टकराएगी लाइट तो टकराने के बाद वो स्कैटर्ड हो जाएगी. जैसे थिएटर में तुम्हें पीछे प्रोजेक्टर दिखता है जिसमें से रे निकलती है और सामने फिल्म चलती है. बीच में तुम ऐसे कभी छिड़कानी करने के लिए ऐसे हाथ ऊपर नीचे भी करते होगे तो तुम्हारी इमेज दिखती होगी हाथ की बात. तो वो कभी सवाल करो प्रोजेक्टर इतना पीछे क्यों लगाते? क्योंकि वो प्रोजेक्टर से निकलने वाली बीम ऑफ लाइट को
चाहते हैं कि डस्ट पार्टिकल से वो स्कैटर्ड हो जाए। डस्ट पार्टिकल कहां होंगे भाई? डस्ट पार्टिकल कहां होंगे? एयर के अंदर मौजूद होंगे। डस्ट पार्टिकल्स कहां मौजूद होंगे? एयर के अंदर। तो जो तुम्हें एटमोस्फेरिक एयर दिख रही है उसमें डस्ट पार्टिकल्स होंगे, और जैसे ही प्रोजेक्टर से लाइट निकलेगी तो वो पार्टिकल से टकराना शुरू कर देगी, और जितनी टकराएगी उतनी एनलार्ज मैग्नीफाइड इमेज तुम्हें दिखाई देगी। तो तुम घर पे भी ट्राई, मतलब कहीं प्रोजेक्टर हो तो तुम उसको देखकर ट्राई कर सकते हो। जैसे प्रोजेक्टर है और सामने स्क्रीन है, तो प्रोजेक्टर को बिल्कुल स्क्रीन के पास रखो तो छोटी सी इमेज दिखेगी, जितना दूर लेकर जाओगे उतना तुमको एनलार्ज होती जाएगी इमेज। क्यों होती जाएगी? क्योंकि वो बीच में जो पार्टिकल्स है उनकी वजह से स्कैटर्ड हो रही है। तो बीम ऑफ लाइट को बीच में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो एयर के अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन बनाकर घूम रहे हैं, जो एयर के अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन बनाकर घूम रहे हैं, वो उस डस्ट पार्टिकल की वजह से स्कैटर्ड होते जा रहे हैं। और जब वो उन डस्ट पार्टिकल्स की वजह से स्कैटर्ड हो जाएंगे तो आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा लाइट का, जिसके कारण वो पूरी इमेज है। तो इसका मतलब कोलोइडल हो या सस्पेंशन हो, सस्पेंशन में तो और अच्छा पॉसिबल है, क्योंकि सस्पेंशन का पार्टिकल साइज तो कोलोइडल से भी बड़ा होता, तो उसमें तो स्कैटरिंग और अच्छी होगी। तो इन दोनों केस में स्कैटरिंग होगी, और इसको हम कह देंगे क्या? इसको हम कह देंगे बेसिकली टिंडल इफेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड एज टिंडल। So they disperse light in all directions. If the concentration of solute particles is high, a light beam cannot pass through. तो अगर solute का particle बहुत ज़्यादा हो गया, तो light beam फिर उसके अंदर से pass भी नहीं हो पाएगी. It will not going to pass. इसे conclusion क्या बताएं? A homogeneous mixture does not block the beam of light, while a colloidal solution or suspension always blocks the light. तो जो colloidal solution होगा या suspension होगा, it will always going to block the light. It will always go to block this light, the light block. Activity 2.3 now. Brief procedure. Activity 2.3 asks us to prepare a saturated solution of salt and sugar and check if the temperature increases the salt. Salt or sugar ka saturated solution banao pani ke saath, aur usme check karo कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ क्या सॉल्युबिलिटी पे असर होगा। अवंतिका त्रिपाठी, इस सवाल का जवाब मैंने अपने कई वीडियोस में दिया है, मैं नहीं चाहता उसको 200 बार रिपीट करूं। तो मेरा कोई आस्क मी एनीथिंग वाला सेशन देखना, लाइक वीडियो की प्लेलिस्ट में जाना, सर्च करना आस्क मी एनीथिंग वाला सेशन, उसमें बच्चों ने मुझसे पूछा है तो मैंने वहां जवाब बताया इसका, वहां से तुमको इसका जवाब मिल जाएगा। और अवंतिका, अभी तो फिलहाल इम्पोर्टेंट ये है कि अपन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो। अल्टीमेटली यूट्यूब पर तो मैं हूं ना बच्चे, तो यूट्यूब पर तो मैं फ्री एजुकेशन यहाँ पर भी दे रहा हूँ, मिल रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा? सॉल्ट और शुगर होगा, उसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, लेकिन फिर उसका टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, और टेम्परेचर के बढ़ाने से हम उसकी सॉल्युबिलिटी को समझेंगे, सॉल्युबिलिटी को चेक करेंगे कि लाइक सॉल्युबिलिटी में क्या चेंज। ऑब्जर्वेशन, वी कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट हाईर टेम्परेचर। हम देखेंगे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो और ज्यादा सॉल्यूट आप ऐड कर सकते हैं, लाइक द सॉल्यूशन विल बिकम सुपर सैचुरेटेड। थ्योरी पार्ट में ही हमने पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन होगा वो सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा। सुपर सैचुरेटेड मतलब अब उसमें और ज्यादा एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड किया जा सकता। जैसे जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, अगर तुम्हारे पास 100 ग्राम पानी है और इसके अंदर तुमने सॉल्ट मिला दिया, नमक, टेबल सॉल्ट, घर में यूज होने वाला टाटा, और मान लो ये पानी का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो तुम्हें पता है स्टैंडर्ड क्या कहता है? 36 ग्राम इसमें से सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता, बिकॉज दिस इज सॉल्युबिलिटी, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। मतलब 100 ग्राम पानी में तुमने 36 ग्राम नमक, तो जैसे तुमने एक चुटकी मिलाया तो 5 ग्राम आ गया, एक और चुटकी मिलाया और 5 और 5, ऐसे करते हुए तुम 36 ग्राम नमक मिला सकते हो नॉर्मल पानी। नॉर्मल पानी मतलब ये पानी जो 20 डिग्री सेल्सियस पर रखा हो,
और ये कहते हैं नमक की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर 36 ग्राम पर 100 ग्राम 36%। लेकिन जब तुम इस पानी का टेम्परेचर बढ़ा दो, सपोज ये 20 डिग्री से आगे बढ़ गया, तो पता क्या होगा, 36 ग्राम से ज्यादा नमक तुम डिसॉल्व कर सकते। फिर जो नमक होगा उसकी मात्रा तुम 36 ग्राम से ज्यादा कर सकते, तो नमक विल बी मोर देन 36 ग्राम देगा। और अगर 36 ग्राम से नमक ज्यादा हो गया तो फिर सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं, सुपर सैचुरेटेड, क्योंकि जब वो 20 डिग्री पे 36 ग्राम मिल गया था, सैचुरेट तो वो तभी हो गया। केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं भाई, केमिस्ट्री ब्रो आर्ट्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो वो 36 ग्राम कब हुआ था पता है, जब 100 ग्राम पानी था 20 डिग्री पर, और सॉल्यूशन तब हमने मान लिया था कि सैचुरेट हो चुका है। लेकिन फिर तुमने अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, 36 ग्राम से ज्यादा नमक डिसॉल्व हो जाएगा और सॉल्यूशन को तुम सुपर सैचुरेटेड, क्या कह दोगे, सुपर सैचुरेटेड। तो व्हेन वी एड अ सॉल्यूट टू अ लिक्विड इट फिट्स इनटू द वॉइड्स बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। जैसे वाटर है तुम्हारे पास H2O, तो ऐसे H2O के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनके बीच में कुछ खाली जगह रह जाती, ये कुछ खाली जगह रह जाती। और नमक जब मिलाते हो तो वो इन्हीं खाली जगह पर जाकर बैठ जाता, वो जो नमक मिलाते हो वो नमक इन्हीं खाली जगह पर जाकर बैठ जाता, तो वो नमक इन जगह पर बैठ जाता। ऑन एडिंग सोल्यूट पार्टिकल्स अ टाइम कम्स व्हेन द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाइज ऑल द वॉइड्स इन द सॉल्ट। फिर एक टाइम आएगा जब सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर पूरी जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे जो मौजूद थी इन द फॉर्म ऑफ वॉइड। वॉइड मतलब खाली जगह, वॉइड मतलब खाली जगह। इन सच कंडीशन देयर इज नो मोर स्पेस फॉर एडिशनल सॉल्यूट पार्टिकल। तो फिर तुम मान लोगे कि अब सॉल्यूट पार्टिकल्स और ऐड नहीं हो सकता क्योंकि जितनी खाली जगह थी वो भर गई। But beyond this solute, the particle does not dissolve and settle at the bottom. We call this the saturation. So, इसके beyond particle जो होगा वो और dissolve नहीं होगा, और इस point पर हम बोल देंगे कि भाई saturation point आ चुका। इस point पर हम बोल देंगे कि क्या आ चुका है, saturation point आ चुका है solvent. So that solvent will have acquired the saturation point. The saturation point. So a saturation point of a solvent and a solute is fixed at a particular temperature. For example, solubility of sugar in water at room temperature is 200 gram per 100 ml. नमक का तो मैंने बता दिया, टाटा नमक का 36 ग्राम होता है पर 100 ग्राम, लेकिन जो शक्कर होती है वो 200 ग्राम पर 100 ml में डिसॉल्व हो सकती है। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर से बढ़ाकर पानी को 100 डिग्री पर ले जाओ, हीट करते जाओ कि पानी 100 डिग्री पर आ गया, पानी 100 डिग्री पर आ गया, तो भाई साहब जो शक्कर 200 ग्राम तक घुल रही थी वो शक्कर की मात्रा अब ज्यादा घुल जाएगी और 500 ग्राम तक पहुंच जाएगी। तो देखो ज्यादा शक्कर घुल गई मतलब ज्यादा सॉल्युबल। ये कब हुआ, जब टेम्परेचर बढ़ाया, ये कब हुआ, जब टेम्परेचर बढ़ाया। तो 500 ग्राम तुम पहुंच गए 100 ml में जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया। तो रूम टेम्परेचर पे जो शक्कर 200 ग्राम घुल रही थी 100 ml पानी में, 100 डिग्री के आने पर वो 500 ग्राम शक्कर घुल गई उसी 100 मिलीलीटर के पानी, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। तो इट मींस व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, साइज ऑफ वॉइड इंक्रीजेस, वॉइड का साइज बढ़ जाता है। जैसे तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो खाली जगह थी, वॉइड मतलब गड्ढा, खाली जगह पहले से थी वो रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो गड्ढे और बढ़ जाएंगे, वो खाली जगह और बढ़ जाएगी, और फिर और सॉल्यूट आप उसमें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। एज अ रिजल्ट वी कैन डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू इट। तो एज अ रिजल्ट विल ऐड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू इट, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ सॉल्यूट। सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। सो बेसिकली किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर। जैसे नमक पानी में घुल सकती है 36 ग्राम, ऐसा क्यों, मतलब
टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स और दूर दूर हो जाएंगे ना। हिंदी मैथ्स पहले चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हमने क्या कहा था, सॉलिड जो है उसको हीट करोगे तो लिक्विड में, मॉलिक्यूल दूर दूर, लिक्विड है तो और दूर दूर, और एक टाइम आएगा जब इतने दूर हो जाएंगे कि गैस बनना पड़ेगा। तो जब भी हीट करोगे तो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और वो दूर दूर होंगे, तो उनके बीच में खाली जगह और आएगी मोर सॉल्यूट के लिए। और ये जो सॉल्युबिलिटी होती है ये उस सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के उस टेम्परेचर। The solubility of common salt does not increase up to extent as of sugar. अब common salt की solubility उतनी नहीं है, मैं बता देता हूँ। Solubility of NaCl कितना बताया मैंने? Solubility of NaCl is 36 gram per 100 ml. 36 gram per 100 ml. और sugar की solubility कितनी बताई मैंने? 200 gram. शक्कर ज्यादा घुल सकती है, मतलब कितनी? 200 ग्राम पर 100 ml, तो इट विल बी 200 ग्राम पर 100 ml। बहुत बढ़िया, आगे चलो। एक्टिविटी 2.4 जिसमें हमसे बोला गया है कि इंक और वाटर के सॉल्यूशन को हीट करके ऑब्जर्वेशन बताओ। एक्टिविटी 2.4 आस्क्स अस टू हीट द सॉल्यूशन ऑफ इंक एंड वाटर। तो इंक और वाटर के सॉल्यूशन को तुम्हें हीट करना है और तुम्हें ऑब्जर्वेशन बताना है कि क्या ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये एक वॉच ग्लास ले लोगे, ठीक है, कांच की जैसी प्लेट होती है उसको वॉच ग्लास बोलते हैं, उसमें इंक और वाटर का सोल्यूशन बनाकर रखोगे एंड यू विल स्टार्ट हीटिंग। हीट करने का एक ही तरीका है, पानी लो, पानी को बॉइल करो, बॉइल से जो वेपर बनेंगे उससे वो हीट होता रहे। जैसे देखा पोहा वोहा कभी बनाया हो या फिर देखा होगा मार्केट में पोहा गर्म होता रहता है, तो लाइक उसको डायरेक्ट हीट नहीं देंगे, नहीं तो वो जल जाएगा, उसको स्टीम देते रहते हैं नीचे से बॉइल्ड वाटर से, उसका मतलब वो हीट हो रहा है। अब उसमें क्या होगा, ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ऑब्जर्व क्या करेंगे? ऑन हीटिंग द सॉल्यूशन वाटर इवेपोरेट्स एंड वी गेट बैक द इंक डाई इन द वॉच। तो इसमें क्या होगा, पानी इवेपोरेट होता जाएगा, पानी इवेपोरेट होता जाएगा और हमें इंक डाई मिलेगा वॉच ग्लास, लाइक हमें इंक डाई मिलेगा। ये तो शुगर का कैरेक्टरिस्टिक है हिंदी मैथ्स कि वो कम जगह घेरेगा इसलिए जो स्पेस अवेलेबल है उसमें ज्यादा शुगर आ सकती है, ठीक है। वंशु बाटी हम खुद लगे हुए हैं भाई, मत पूछो यार, 10-1 दिन लगेंगे अभी भी, लेकिन मैं खुद परेशान हूँ तेरे सवाल से, मतलब सवाल से परेशान नहीं हूँ, इस चीज से मैं भी परेशान हूँ, मेरे को भी खुद लग रहा है कब आएगा स्मार्ट, 10 दिन में आ जाएगा। तो वॉटर इवेपोरेट होगा एंड विल गेट बैक द इंक डाई इन द वॉच। तो जो इंक डाई होगा वो हमें वॉच ग्लास में मिलेगा, सो दैट इंक डाई विल बी देयर इन द वॉच ग्लास। एक्सप्लेनेशन, द डिफरेंट सब्सटेंस हैज अ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि कम है, किसके मुकाबले, इंक के मुकाबले। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, जो इंक से कम है। तो पानी पहले क्या हो जाएगा, उबल जाएगा, और अगर एक बार पानी उबल गया तो पानी उबल कर सेपरेट हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा और इंक वहां पर हमें बच जाएगा। क्लियर हो गया। तो वी यूज दिस प्रॉपर्टी टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, हम इस प्रॉपर्टी को मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने में इस्तेमाल करते हैं। एंड हियर द बॉइलिंग पॉइंट, हियर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंक इज मच हायर देन दैट ऑफ। तो जो इंक का बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू वॉटर। तो ऑन हीटिंग द इंक सॉल्यूशन वॉटर इवेपोरेट्स वेल इंक डाई रिमेन्स इन द चाइना डिश। तो वॉटर जो होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, वॉटर विल इवेपोरेट, जबकि जो इंक डाई होगा इट विल रिमेन इन द चाइना, इंक डाई विल रिमेन इन द चाइना डिश। टेक्निकल रक्षित, एक तो तुम लेट आए हो, ऊपर से बोल रहे हो एक्सप्लेन अगेन, और तीसरा तुम स्पैम बहुत कर रहे हो भैया, तो क्या ये मामला है यार। टेक्निकल रक्षित स्पैम करेगा तो बिल्कुल नहीं जवाब दे पाऊंगा तेरी बात का। दूसरा, तुम लेट क्यों आए हो? तीसरा, तुम रिकॉर्डेड सेशन देख लेना। सनम आए भाई, हेलो। एप्लीकेशन, अब इसको तुम अप्लाई कहाँ कर सकते हो, इस मेथड को
तो क्रूड पेट्रोलियम रिफाइनरी में अप्लाई किया जा सकता है, क्रूड पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो क्रूड पेट्रोल ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वेरियस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, डीजल, एलएनजी, वेसलीन एटसेट्रा। तो कच्चा तेल होता है, कच्चा तेल उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। आपको पता है ना क्रूड ऑयल के अंदर बहुत सारे जितने भी फ्यूल्स होते हैं वो सब इसी में होते हैं। नेप्था ऑयल से लेकर पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, ये सारी चीज आप क्रूड ऑयल से निकाल सकते हैं। और क्रूड ऑयल में ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको कंपोनेंट्स बोलेंगे, इन्हीं से तो क्रूड ऑयल मिलकर बना है। तो इन कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो अलग अलग होगा। तो इन कंपोनेंट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अलग अलग होगा। और अगर भाई साहब इन कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग हुआ तो आप इस डिस्टिलेशन मेथड जिसमें जो यहां पर अप्लाई किया है इस मेथड से कर सकते हो। बल्कि इसमें और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो, डिस्टिलेशन क्लास के ऊपर एक फ्रैक्शनल रेटिंग कॉलम लगा देते हो तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस है तुम इनको समझो। So all these components have a different boiling. So all these components will have a different boiling point. This difference helps us in separating. So basically ये जो difference होगा ये मदद करेगा उनको separate करने। So this difference will help us in separating. Separation of metals from its alloys in metallurgical industry. So separation of metals from its alloys इन मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, मेटल इंडस्ट्रीज में भी मेटल को आप इसी तरीके से अलॉय से अलग करते हो, मेटल को अलॉय से अलग। सनम होमोजेनियस हेटरोजेनियस मैंने पूरा एक लेक्चर लिया था, उसका रिकॉर्डेड सेशन जाकर देखो वहां मिल जाएगा। अगर एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह उसकी मात्रा सेम है, जैसे नमक पानी के अंदर मिला है तो नमक की मात्रा इस पानी इधर पानी में इधर पानी में इधर 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 पूरे पानी के दौरान नमक की मात्रा अगर सेम रही तो होमोजेनियस, तो ये सॉल्यूशन होमोजेनियस। लेकिन मान लो मैंने रेत मिला दी नमक की जगह, रेत मिला दी इसी पानी में, तो तुम्हें मालूम है रेत पूरी नीचे जम जाएगी, ऊपर रेत कुछ नहीं होगी, नीचे रेत बहुत सारी होगी, तो रेत की मात्रा पूरे कंपोजिशन में यूनिफॉर्म नहीं निकली। तो रेत की मात्रा पूरे कंपोजिशन में यूनिफॉर्म नहीं निकली, और यूनिफॉर्म नहीं निकली तो इट इज कॉल्ड एज अ हेटरोजीनियस। तो इसको तुम हेटरोजीनियस मिक्सचर कहते हो। तो दिस मिक्सचर विल बी कॉल्ड एज हेटरोजीनियस मिक्सचर। भैया वीडियो को लाइक जरूर करें, जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं देख रहे हैं वीडियो, वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी तरीके से मिल्क पाउडर भी, जिसको खोया बोलते हैं, वो मिल्क से प्रिपेयर कर सकते हो। मिल्क पाउडर आते हैं ना आजकल, वो कहीं भी जाओ उसमें मिल्क वो कर दो, आप वाटर मिला दो तो वो बेसिकली मिल्क वापस बन जाएगा, तो वो मिल्क पाउडर होता है। मिल्क पाउडर दूध में दही को मिक्स कर देंगे तो हेटरोजीनियस ही रहेगा भाई। क्लियर हो गया? तो यहां पर वी आर डन विद दी फोर एक्टिविटीज, बट वी आर लेफ्ट विद फ्यू मोर एक्टिविटीज जिनको हम अपनी आने वाली क्लासेस में पूरा करेंगे। तो वी आर टिल नाउ वी आर डन विद दी फोर एक्टिविटीज, it's done, four activities are done. So till now we are done with the four activities. Let's moving ahead, yani ki kal ke session mein ya fir kal to mentee hai waise tum logo ka kal, kyunki YouTube festival hai. Saturday ko hum bachi hui activities complete karenge aur Saturday ko ye chapter hamara pura tarike se complete ho jayega. Lekin ek reminder hai, Unacademy Plus aur Iconic subscription par abhi instantly tumhe 10% off milega. अगर तुम सिर्फ मेरा कोड अप्लाई करोगे दैट इज अभी एस 10, 10% ऑफ मिलेगा अभी सिर्फ एक कोड लगाने से, दैट इज अभी एस 10। इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला, ये कोड लगा दो फ्लैट 10% ऑफ तुम्हें अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक दोनों सब्सक्रिप्शन पे। और प्लस कोर्स इसलिए भी ले लो क्योंकि मेरा प्लस कोर्स पे फाउंडेशन केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है। फाउंडेशन केमिस्ट्री मतलब तुम्हारी स्कूल की केमिस्ट्री भी आएगी, स्कूल लेवल की, और कॉम्पिटिटिव लेवल ओलंपियाड दोगे या एनटीएससी दोगे वो केमिस्ट्री भी अभी से तैयार होगी। और 11 12th में अगर तुम केमिस्ट्री सब्जेक्ट लोगे तो उसमें भी ये मदद देने वाली है, जो हर टीटीएस को होता है शाम को 7 बजे।
तो प्लस कोर्स अभी सब्सक्राइब कर लो मेरा कोड लगाकर, दैट इज अभी S10। अभी तक जितने लोगों ने अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं करा भाई किस चीज का वेट कर रहे हो, गूगल प्ले स्टोर पर जाओ और अकेडमी ऐप को डाउनलोड करो, एंड्रॉइड यूजर और आईफोन यूजर ऐप स्टोर से डाउनलोड करो और साथ ही स्पेशल क्लास के लिए एनरोल कर लो। मैं अगले वीक से स्पेशल क्लास शुरू कर रहा हूँ मंडे से, और मैं बता दूं स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री है, उसके लिए तुम्हें कोई फीस नहीं देनी, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, एक रुपया खर्च नहीं करना, बिल्कुल फ्री कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस तुम्हें इसको अनलॉक करना होगा, लाइक ये लॉक रहेंगी और अनलॉक सिर्फ एक कोड से होगा, वो है अभी S10। अनलॉक वो सिर्फ एक कोड से होगा जिस कोड को बोलते हैं अभी S10। बस ये कोड लगाकर तुम मेरी स्पेशल क्लास को अनलॉक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें पहले अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो बिल्कुल स्पेशल क्लासेस लो, मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा अभिजीत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तुम्हारे स्कूल में जो पूछ सकते हैं क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चन, वो सब डिस्कस करूंगा स्पेशल क्लास में, बिल्कुल फ्री होंगी। सिर्फ मेरा कोड, कौन सा कोड लगाओगे अभिजीत, जल्दी से कोड लिखकर बताओ, सारे बच्चे मेरा कोड बताएं जो लगाएंगे अनलॉक करने। और जरूरी नहीं है तुम सिर्फ मेरी क्लास को देखने के लिए इसको अनलॉक करो, मतलब मेरा कोड लगाओ, तुम कोई और एडुकेटर की भी कोई स्पेशल क्लास चल रही है और वो लॉक है तो उसको भी अनलॉक करने के लिए तुम मेरा कोड लगा सकते हो। मेरा कोड इतना इंपॉर्टेंट, अभी S10, मेरा कोड तुम उसमें भी लगा सकते हो। कोई और एडुकेटर की कोई स्पेशल क्लास दिख रही है अगर तुमको अपने ऐप पे और तुम चाहते हो उसको अटेंड करना लेकिन वो लॉक है तो वहां पर तुम अभी S10 अप्लाई। और मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करो, लाइक मेरी प्रोफाइल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का, उस पर क्लिक करोगे तो वो ऐप पर ले जाएगा, ऐप पर मेरी प्रोफाइल आएगी, उसको फॉलो करना शुरू कर दो। अगर मुझे फॉलो नहीं करा तो मेरी स्पेशल क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो मेरी स्पेशल क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, इसलिए फॉलो करो। और जितने भी फीचर्स हो ऐप के वो सब तुम फ्री एक्सेस कर सकते हो ट्रायल बेसिस पर मेरा कोड लगाकर अभी S10। और भी कोई फीचर्स अगर कहीं लॉक होता है वहां पर तुम लगा सकते हो अभी S10, अभी S10 लगा सकते हो। क्लियर हो गया? चलो तो थैंक यू स्टूडेंट, अगर अभी तक अनअकैडमी 9th एंड 10th एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल को तो भाई किस चीज का इंतजार है, अनअकैडमी 9th एंड 10th एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, वीडियो में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल को स्प्रेड करो, जितने भी तुम्हारे कम्युनिटीज हो, जितने भी व्हाट्सएप हो तुम्हारे ग्रुप्स, चाहे स्कूल का, कोचिंग का, कॉलोनी का, स्कूलमेट, बैचमेट, क्लासमेट, कोचिंग मेट, कॉलोनी मेट, जितने भी लोग हो सबको बोलो कि अनअकैडमी 9th एंड 10th एक्सपर्ट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और आगे उनको बोलना कि थैंक यू ना बोले, सलमान खान की तरह आगे बोलना उनको और लोगों को बोलो कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से बेल आइकन का भी बटन दबा देना, कई बच्चे बेल आइकन का बटन नहीं दबाते तो कई बार ये होता है कि बिल्कुल DPP मिलेंगे अभी नहीं लेकिन आने वाले टाइम में बिल्कुल DPP मिलेंगे अभी जी। बेल आइकन का बटन नहीं दबाने से तुम्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। वैसे तो क्लास टाइमिंग फिक्स है, रोज दोपहर में 2 बजे 9th की क्लास होती है लाइव केमिस्ट्री की, और रोज शाम को 4 बजे 10th की क्लास होती है लाइव केमिस्ट्री की, तो 2 बजे 4 बजे टाइम वैसे तो फिक्स है लेकिन कई बार मैं और टाइमिंग पर भी आता हूँ, शाम को मूड किया 7 बजे की एक मेंटी क्विज ले ली तो मैं इंस्टेंटली भी आ जाता हूँ, उसके लिए तुम्हें नोटिफिकेशन मिलना जरूरी है, उसके लिए बेल आइकन बटन अभी प्रेस कर दो चैनल पे जाके, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट अनअकैडमी के साथ बनाए रखिए, अनअकैडमी के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। कीप सपोर्टिंग अस, कीप लर्न, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ विद अनअकैडमी।